सुभाष नमस्ते अब्दुल हमीद भाई साहब। नमस्ते दादा जी, नमस्ते जी। नमस्ते। नमस्ते। हाँ बेटा, क्या कहना है? अच्छा, एक अभी हमारे अब्बास भाई साहब ने कुछ बोला, उस पर एक छोटा सा सवाल पूछ सकता हूँ मैं? जी पूछिए। देखिए, सूरा अल कद्र चैप्टर नंबर 97 वर्स नंबर 1 में आता है कि हमने जी इसे कद्र की रात में अवतरित किया, जी ठीक है। और सूरा जी बकर की वर्स नंबर 185 में आता है कि रमजान के महीने में कुरान उतारा गया। जी एक बात ये हो गई, दूसरी बात कहते हैं कि 23 साल में थोड़ा थोड़ा करके आया, दोनों बातों में सही कौन सी है वो बता दो मेरे को। तो अब सही कुछ भी नहीं यार, सही सिर्फ ईमान सही है। जो ईमान है वो सही है। इनके मुल्लाओं ने जो कुछ बता दिया इनको वो सही है। जिस तरह से इन्होंने मान लिया और जो मानना सदियों से चला आ रहा है वो सही है, बस खत्म। इसमें क्या सही रहेगा? और यहाँ आपकी जिन बातों पे आपकी अपनी लॉजिक नहीं चलेगी वो सही है, समझे? ये है असल बात। अच्छा, एक दूसरी बात, आज अब्दुल हमीद भाई साहब ने भी पूछा, आपने भी पूछा, एक भाई भी आया था कि साबित करो कुरान अल्लाह की ओर से नहीं है। अच्छा, यदि सवाल मैं आपसे करूं तो आप कुरान से इसका क्या एविडेंस देंगे? आप जो कहते हैं कि मैं अल्लाह हूं और मैंने इसको उतारा, इसको छोड़ दो आप, इसके अलावा यदि आपको एविडेंस देना चाहें कुरान से तो क्या देंगे? नहीं, मुझसे पूछ रहे हो? हाँ, नहीं, क्या 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 एविडेंस बोलना है? जैसे कि इन्होंने कहा ना, इन्होंने नेगेटिव सेंस में, आप पूछते हो कि साबित करो कुरान अल्लाह की ओर से, ये उल्टा पूछते हैं आप साबित करो कि कुरान अल्लाह की ओर से नहीं है। ये तो बचकाना बातें ये लोग तो जो हर मोमिन करते हैं भाई, मोमिन ही नहीं है वो जो दादा साबित बचकाना करेंगे बातें ना, दादा साबित करेंगे ना, आज करेंगे ना, अपन साबित करें ना, अपन शुरू जी कैसे? करें। हाँ शुरू करो। देखिए, एक शब्द होता है ओमनी प्रेजेंट, जिसमें कहते हैं कि जो खुदा है वो सब कुछ जानता है। कुरान कहता भी है, बार बार ये आता है शायद कुरान में। जी लेकिन जब हम देखते हैं तो ये बात ठीक नहीं बैठती। यदि कुरान का अल्लाह ओमनी प्रेजेंट है तो वो ये पॉसिबल नहीं है कि वो ट्राई करे और वो फेल हो जाए। चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 108, 206, सॉरी 2 की 106 निकाले हम। एक सौ छः हाँ, 2 की 106। जी, वही मानन सख मिन आयतिन औ नुन सिहा नाती बि खैर मिनहा औ मिस्लिहा। जी जिस आयत एक्चुअल को में हम एब्रोगेट करते हैं या जी भुला। हाँ, जी भुलाते हैं एक्चुअल में। दादा देखें, रूल ऑफ अब्रोगेशन जो है, जिस पे कुरान काम करता है, ये एक इंसानी सोच है। आज एक बार जी एक टाइम पे आदमी कुछ और बोल रहा है, उसे जरूरत पड़ी कि नहीं यार, वो उस टाइम मैंने गलत बोला, अब ये बोलता हूं, ये जी इंसानी फितरत है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मगर अब यहाँ मोमिन क्या कहते हैं मालूम है? नहीं, जो है पहले अल्लाह ने जो है एक बात कही थी, अब वो उससे अच्छी बात कर रहा है। तो इसका मतलब पहले उसने अच्छी बात नहीं कही थी, बाद में उसको ख्याल आया, अरे यार जो है मुझे अच्छी बात मैंने कहनी चाहिए। जी स्क्रीन पे निकालें तो सही, एक बार 2 की 106 निकालें, कुछ वर्सेस देख लेते हैं अपन। 2 की 106। दो की 106 जी जी वो शायद मैंने ओमनी प्रेजेंट बोल दिया, ओमनीसेंट होता है वो, ओमनीसेंट जो सब कुछ जानता हो, जो सोर्स ऑफ नॉलेज हो, ओमनीसेंट। 2 की 106 2 की 106। आ गया, आ गया। बस बस यानी किसी आयत को हम नहीं मनसूख करते, यानी एब्रोगेट करते और ना भुलाते हैं। अच्छा, ये वर्ष कह रही है कि हम जिस आयत को भी, मैं पढ़ देता हूँ दादा, और जी हम जिस आयत को भी मिटा दें या उसे भुला देते हैं तो उससे बेहतरीन आयतें लेकर के आते हैं या उसके जैसी ही दूसरी। तो जी जो बात मैंने कही, खुदा ऐसा कभी नहीं हो सकता कि वो ट्राई करे और वो फेल हो जाए, ये इंसानी फितरत है।
नहीं, मगर मसला ये है ना बेटा कि देखें कि अरबों का तराशा हुआ खुदा एक इंसानी फितरत ही तो रखता है ना। अब अरबों का खुदा ऐसा कर सकता है तो आपको क्या मुश्किल है? उनका खुदा ऐसे ही है, ऐसे ही है ना उनका खुदा। भाई उनकी जितनी सोच है उनकी उसी अंदाज की उनकी बातें हैं। अरबों का खुदा ऐसे ही रहता ना, और कैसा होगा? क्योंकि देखिए, जब ये बात कहते हैं ना कि कुरान अल्लाह की ओर से नहीं है, नहीं है शब्द इस्तेमाल करते हैं, तो इनसे सवाल करें, कुरान रूल ऑफ अब्रोगेशन पे काम क्यों करता है, क्यों काम करता है? अब वो उसका क्या जवाब देंगे? नहीं, जो है अल्लाह बेहतर, उससे बेहतर आयत लाने के लिए पहली वाली आयत को निकाल रहा है। जी नहीं, जी नहीं, कुरान ये भी कहता है कि हम आयतों को रिप्लेस करते हैं, 16 की 101 निकाले। अच्छा, 16 की 101। وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ। क्या गोलमोल बातें हैं कुरान की यार, खाली गोलगप्पा रहता है। आया है ना जब कि हम हम बदलते हैं आयत की जगह, हाँ वो बदल देते हैं। जी जी हाँ, अच्छा, अब ये ये बात कर रहा हमारे है बदलने जमीन की। क्या करते हैं मालूम है? जहाँ कुरान की जो है, जहाँ आयत का लफ्ज होता है उससे कहते हैं ये तो निशानी है। अच्छा, अब जो है फिर कहते हैं कि चांद भी निशानी है, सूरज भी निशानी है। अब ये समझ में नहीं आता कि जो है कुरान आयत का एक्चुअल माना क्या बयान कर रहा है। अगर चांद और सूरज भी जो है निशानी है, तो क्या चांद और सूरज की जगह दूसरा चांद और सूरज भी लेके आते हैं? अल्लाह ऐसा करता है? अगर ये ये तो अल्लाह निशानी है ताला क्यों? ने जिलेबी बना दी, बहुत बड़ी जिलेबी है। अच्छा भाई दादा, एक मिनट जी, देखिए, मैंने कहा, जैसा कि कहा, इंसानी फितरत होता यूं है कि ये असबाब अल-नुज़ूल अस्सुयूती में आता है, ये उन्होंने लिखा है इस बात को कि मोहम्मद शाम को अपने सहाबाओं को कुछ और बोलते और वो सुबह के टाइम भूल जाते और वो कुछ दूसरी बात को बोलते। ये बात इनके जो स्कॉलर्स हैं उन्होंने लिखी है, असबाब अल-नुज़ूल में लिखी है, मौदूदी ने लिखी है कि वो रात को कुछ और बोलता हाँ, और सुबह के टाइम वो भूल जाता कि मैंने क्या बोला था और वो बात को कुछ घुमा फिरा के कुछ और बोल देता। फिर वो इंसान ही तो है ना भाई, इंसान ये सारे काम करता है। और जो है ये अरबों का तराशा हुआ अल्लाह, उसकी पूरी हरकतें, उसकी आदतें, उसके काम सारे जो है इंसानों जैसे ही हैं। अरबों ने अच्छा, अपनी सोच के मुताबिक अल्लाह को तराशा है। जी एक तो ये बात होगी दादा, एक दूसरी चीज मैं मेरी तरफ से यूं कहूंगा कि जब मैं कुरान को देखता हूं तो मुझे दो चीजें मिलती हैं। मैं कुरान के दो हिस्से करता हूं कि कुरान का 80-85% हिस्सा तो वो है जो ओल्ड स्टोरीज हैं, पूरी तरह से बेकार फिजूल किस्से कहानियां, बार बार रिपीटेड जी नॉनसेंस जी तरीके से, बहुत ही भोंडे तरीके से रिपीट की गई हैं। जी दूसरा तरीका वो है जो शायद मोहम्मद ने अपनी तरफ से फ्रेम करके बोला हो, जी ठीक है। 85% हिस्से पे लोग सवाल करते हैं कि ये तो पुराने किस्से कहानियां हैं, लोग जी सवाल करते हैं ये, ठीक सही है। एक वर्ष निकाल लें आप, रेफरेंस दे दें इनको, आप निकालें 23 की 83, 23 की 83 खोल लें आप। 23 की 83। जी, मोहम्मद जब ईसा, मूसा, लूत, सुलेमान, इन सब की किस्से कहानियां सुनाता है तो लोग कहते हैं ये तो पुराने लोगों की कहानियां हैं, एंशिएंट फेबल्स। लقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين। जी ये बात है, सही है भी। हमसे हमारे बाप दादाओं से पहले ही से ये वादा होता चला आ रहा है कि कुछ नहीं, ये सिर्फ अगले लोगों के अफसाने हैं, उनकी जो है उनकी कही हुई बातें हैं, पुराने लोगों की। अच्छा, इसके अलावा ये वर्सेस बहुत सारी है, 27 की 68 में भी आता, मैं पढ़ देता हूँ बस, 27 की 68 में अभी आता, इसका वादा तो इससे पहले भी किया जा चुका है हमसे भी और हमारे बाप दादाओं से। ये तो बस पहले लोगों की कहानियां हैं, ये तो बस पहले लोगों की कहानियां हैं। इतना ही नहीं, जब पूछा जाता है कि तुम्हारे रब ने क्या उतारा, पूछा जाता है उनसे, कहा जाता है कि तुम्हारे रब ने क्या उतारा, तो वो लोग जवाब देते हैं
ये तो पहले के लोगों की कहानियां हैं। एक बार 16 की 24 खोल ले, ये थोड़ी अजीब सी लगती है वर्ष मेरे को, 16 की 24। हाँ ये बात है। वह ईद आकी माजा अनजल रब्बुकुम कौलू असातीरुल अव्वलीन, जब उनसे पूछा गया कि तुम्हारे परवरदिगार ने क्या नाजिल किया, तो जवाब देते हैं कि अगलों की कहानियां, पुराने लोगों ये की उन्हीं के सबसे। लोग कह रहे हैं, जी उसी उसी के साहबा हैं या जो भी लोग हैं वो जवाब दे रहे हैं कि ये तो बस इनिशियंट फेबल्स हैं। जी एग्जैक्टली, तो यानी सही है गोया ना के वो उनके मुताबिक जो है ये पिछलों की कहानियां। और ये बात बिल्कुल सही है, कुरान का ऑलमोस्ट जो है 95% ऐसा हिस्सा है जो सिर्फ या तो रिपीटेशन है या फिर जो है पुराने लोगों की फजूल एक लाहासिल कहानियां। भाई मूसा के किस्से जो है, हामान के किस्से, वो कानून के किस्सों से आज की दुनिया के क्या लेना देना, बताइए क्या लेना देना, कोई नहीं। तो ताल्लुक नहीं। इसमें सच वाला जी ये बराबर कह रहे हैं ना इसके, कि जब पूछा जाता है तो ऐसा कहा जाता है कि ये तसव्वुराती कहानियां हैं, लेकिन जी ये हकीकत है, यही बोल रहा है ना कुरान। यही बोल रहा है ना, ये देखें वो जो जो कुछ वहां आसपास में हो रहा था वो इनकी जबान से, कुरान के लिखने वालों की जबान जबान से भी निकल जाता था, उसी चीज को उन्होंने लिख दिया। भाई जो सुनने वाले हैं वो तो ये बात कहेंगे ना, वो कहेंगे यार ये क्या जो है पुरानी किस्से कहानियां सुना रहे हो यार हमें, हमारा इन इन कहानियों से क्या लेना देना। तो जब उनके ज़माने में कोई लेना देना नहीं है तो आज की तारीख में आज के इंसान का इन 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 कहानियों से क्या लेना देना है, क्या फ़ायदा है। अब मैं मूसा के जो है फिरौन के किस्से सुना लेते बैठ जाऊं तो लोग जो है सर खुजाते कहेंगे यार जो है कितना भी अच्छा, मूसा और फिरौन के किस्से भरे पड़े हैं, 132 बार मूसा का जिक्र आया है, मूसा को दोहराया गया है, आखिर क्यों भाई। अच्छा दादा एक बात और बताऊं आपको, जी कुरान में 130+ टाइम मूसा का जिक्र आता है। मजे की बात यह है कि 132 बार में जितनी बार वह रिपीटेशन हुआ एक दूसरे से मैच नहीं करता, बिल्कुल मैच नहीं करता। कहीं कुछ कहानी बकी जा रही है, कहीं कहानी कुछ और बकी जा रही है। 20, 27 और शायद 28वें चैप्टर की जो 3 वर्सेज आती है ना, इन्ना लिल्लाहि जिसमें कहता है कि मैं अल्लाह हूँ मूसा जी से, जी 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 उनकी तीनों चैप्टर की आप कहानियों पर गौर करना, जी हाँ वो बीस तीनों क्या सत्ताईस है और अट्ठाईस की, उसमें वो तीनों कहानियां अलग है, दो बातें तीनों की एक तीनों दूसरे कहानियां अलग है। के वो साथ अल्फाज अलग अलग हैं, उसका अंदाज भी अलग है, वहाँ जो है ऐसा लगता है कि वो किसी और मौके पर। हालांकि ये कहा ही जाता है कि एक बार अल्लाह ने मूसा से कलाम किया। जी अब फिर सवाल है कि क्या अल्लाह ने बार बार कलाम किया, तो वो भी जो है उसकी भी क्लैरिटी नहीं होती। एक बार कलाम किया तो फिर जो है अल्फाज ये अलग अलग क्यों हैं, अंदाज भी अलग क्यों हैं। तो कुल मिलाकर असल में बात यही है ना कि कुरान के लिखने वालों ने जिस तरह से जब जब जो जो चीज़ें उनके हाथ लगती गई इस किताब को जो है, क्योंकि शुरू शुरू में कुरान तहरीर की शक्ल में नहीं था ना, लिखत में नहीं था, वो बोला जाता था, बिल्कुल तो जब जब भी जिसको भी जो है ये बोलना था बोलते रहे ये सिलसिला जो है, तो उनको जब लिखने की नौबत आई तो सारी मुश्किल लिखने के बाद हुई है। लिखने से पहले कोई मुश्किल नहीं थी, लिखने से पहले सिर्फ तकरीर था, आप समझ, लिखने से पहले कुरान सिर्फ एक तकरीर है, लिखने के बाद वो किताब बना। तो किताब बनने के बाद में अब ये सवालात उभरने लगे कि यार जो है इसमें इतनी रिपीटेशन क्यों है, और जो है ये इतनी कहानियां क्यों हैं, ये सब इस तरह की बातें। अच्छा इसमें मैं एक बात और ऐड करना चाहूंगा, आपने जो बात बोली कि देखिए एक सवाल उठता है कि कुरान क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में क्यों नहीं है। मैंने पहले भी कहा था यदि कुरान को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेट कर दिया जाता तो बड़ी आसानी से ये बात पकड़ में आ जाती कि पकड़ में जरूरत आ के जाए। हिसाब से अपनी बातों को तब्दील किया गया है। जी हाँ जी हाँ एग्जैक्टली, बात यही है कि इसको खिचड़ी इसलिए बनाया गया ताकि इनका झोल, इनका पोल न खुलने पाए। ये इसके जी पीछे बिल्कुल ये है रियलिटी, ये है, क्योंकि अगर इसको जो है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रखा जाता तो कब कब क्या क्या हुआ, फिर उसके बाद वहाँ पर वो ये सारे लोग पकड़े जाते हैं। तो इन्होंने यहाँ पर बहुत होशियारी से काम दिया कि इसको जो है गड़बड़ कर दो। एक बात कहाँ पड़ी है, अब इनका क्लेम यह है कि वो जो है इकरा बिस्मि रब्बिकल लजी सबसे पहली आयत है, लेकिन वो कहाँ पड़ी है, आखिरी सूरत में। हाँ अब आखिरी सूरतों में पड़ी है, जिस आयत को सबसे आखिर में होना चाहिए था कि जो है अलयौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नियमती, कि आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे दीन को कंप्लीट कर दिया, तो इस आयत को कुरान के एंड में होना चाहिए था। मगर देखें ये आयत कहाँ पड़ी है, ये छठे पारे में, सोचिए। बिल्कुल
तो अच्छा, एक चीज और आखिरी क्या किया जाए, एक चीज आखिरी और बोलूंगा मैं, किसी बंदे ने अभी और भी काफी लोग हैं दादा, बस ओनली एक सिर्फ सिर्फ कुछ सेकंड्स, अभी किसी शख्स ने आपसे कहा था कि आप अपने दिमाग का इलाज कराओ, किसी शख्स ने कहा था, अभी नाम तो नहीं पता मुझे किसने बोला था, तो जो कोई भी वो यदि सुन रहा है तो मेरी बात सुने, जिसको तुम नबी कहते हो उसको लोग पागल कहते थे और कुरान इसका प्रमाण है, 15:6 दिखा दें एक बार बस, 15:6 जी हाँ बात सही है, हाँ 15:6 में, और जो है ये बात तो कई जगहों पर आई है, 15:6 मैं बता दूंगा, वो रेफरेंस दे दूंगा मैं, वो कहाँ कहाँ आई है, ये बात 15:6 दिखा दे, मेरी बात पूरी हो जाएगी। जी हाँ 15:6 कह रहे हैं ना जी, वकालू या अय्युहल लदीन उस्तिला अलैहि ज़िक्र इन्नका लमजनून, उन्होंने कहा कि अय वो शख्स जिस पर जो है ये जिक्र, जिस पर जिक्र जो है उतारा गया, तो वो अरे तू तो जो है पागल है, तू तो पागल है, ये अल्फाज कुरान में आए हैं, जिस पर जिक्र उतारा गया जी वो शख्स, उसको ये कह रहे हैं कि बेशक तू तो पागल है भाई, तुझ पर जिनका साया है, नॉर्मल आदमी नहीं है, तू एबनॉर्मल है, इंसेन है, इंसेन